अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी जो कि है पकौड़ों में। तो ये है मिर्च के पकौड़े। ये बिल्कुल वैसे बनते हैं जिस तरीके से आप पाकिस्तान में बाजार से खरीदते हैं। तो जो आपको चीज़ें चाहिए इसके लिए, आपको सबसे पहले चाहिए ग्रीन चिलीज़। इन्हें एक्चुअली पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कहा जाता है जर्मन ग्रीन चिलीज़। काफ़ी बड़ी होती हैं, यहाँ पर इन्हें सिर्फ लॉन्ग ग्रीन चिली कहा जाता है। सिंपली मैंने बीच में से इसको यूँ काट दे करके जो बीच में थोड़े से बीज थे वो मैंने निकाल दिए। और जो बीच में इसकी स्टफिंग होनी उसके लिए आपको थोड़ा सा पानी चाहिए, क्योंकि हमने इसकी गाढ़ी सी पेस्ट बनानी होती है। तो बीच में जाएगा जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है चाट मसाला। फिर उसके बाद भुना और कुटा जीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड, सॉल्ट यानी कि नमक, कोई भी खटाई पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी गुड क्वालिटी का। और जो हमने इसका बैटर बनाना है उसके लिए आपको चाहिए पानी, बेसन दैट्स ग्राम फ्ला, नमक यानी कि सॉल्ट दोबारा हो गया और चला जाएगा बीच में बेकिंग सोडा। इसे हम फ्राई करेंगे, आपको दिखाते हैं हम बनाना किस तरह। एक बोल ले लेते हैं जिसमें हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना था। सबसे पहले आप इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, भुना और कुटा जीरा, नमक, खटाई पाउडर, इन्हें पहले अच्छे से मिक्स करें। और फिर इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हल्का हल्का आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी में डालिए वरना बहुत पतला हो जाएगा, इसे बहुत गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखें थोड़ा सा पानी डाला, मिक्स कर लें और दोबारा थोड़ा सा पानी डालते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो ये देख लें इस तरीके से आपने इसको बनाना है, ज़्यादा पतला मत कर दीजिएगा वरना फिर ये आपसे हैंडल नहीं होगा। और इन केस अगर ऐसा कोई हो तो फिर आपको बीच में जो है चाट मसाला या कुछ और ऐड करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, सिंपली एक अदद मिर्ची उठाएंगे और इस पेस्ट को आपने यूँ उठा करके इसके अंदर यूँ स्प्रेड करना है, अच्छे से यूँ चिपका दीजिएगा। तो देख लें परफेक्टली मिर्चें जो आपने अंदर से भर ली और ये काम हो गया। अब इसका बना लेते हैं बैटर। तेल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। तो बीच में जाएगा नमक, बेकिंग सोडा, वो इसकी मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। और प्लीज़ पहले बेसन को ज़रूर छान लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लम्स होते हैं और फिर आपको इश्यू होगा इसको जो है इसका बैटर बनाते हुए। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे, साथ साथ बस खिलाते चले जाइएगा और इसका जो बैटर है ज़्यादा पतला नहीं होगा। तो ये देख लें इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ यूँ होगी। और जब आप बीच में बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपने तभी डालना जब आपने पकौड़ों को फ्राई करना है, उससे पहले मत डालिएगा वरना बैटर जो इसका फिर बिल्कुल सही नहीं रहेगा आपके बनाने के लिए। तो ये देख लें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया, तेल हो चुका है गर्म। अब हम इसमें जो है एक एक करके यूँ मिर्च उठाएंगे और आपने इसको बीच में अच्छे से डिप करना है। और तेल गरम हो चुका है, इसमें इसको हम ऐड करके फ्राई कर लेते हैं। तेल हो चुका है गरम और आप इसको जो है बीच में यूं करके ऐड करते चले जाएंगे और इन्हें अच्छे फ्राई हो जाने देते हैं ऊपर से गोल्डन हो जाए। तो ये रही आपकी हरी मिर्च के पकौड़े, बहुत ही चटपटे बनते हैं। साथ में पुदीने की चटनी कर लें और गर्मा गर्म रोटियों के साथ में इसका बहुत मजा आता है। कम्प्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर whichiscookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।